नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गारंटी सरकारी जॉब में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लासों की शुरुआत हमारे द्वारा की जा रही है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कंटेंट है। सभी विद्यार्थी फटाफट से हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए जो भी जानकारी होगी सब यहीं पर मिलेगी। आपका जो है टॉपिक वाइज कोर्स भी शुरू किया जाएगा, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है। चलिए पहला यहाँ आज क्वेश्चन है आपके लिए, गुड़ दौड़ शब्द का संबंध संधि विच्छेद आपको बताना है। गुड़ दौड़ शब्द का संधि विच्छेद पूरे 100 के 100 क्वेश्चन है आपके, जैसे पेपर आने वाला है वैसे हूबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा। गुड़ दौड़ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। क्या हो जाएगा? घोड़ा प्लस दौड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाग्दान में कौन सी संधि है? वाग्दान में कौन सी संधि आप कमेंट करके बताते रहें मुझे। व्यंजन संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? निम्नलिखित किन पदों में आपको बताना है कि संधि भी है और समास भी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या जवाब हो जाएगा? नीलाकाश। क्या हो जाएगा? नीलाकाश। किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा क्रम है जिसमें ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो क्या हो जाएगा? ला वज्र। इसमें दोस्तों सही प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग का। अगला प्रश्न, किस शब्द में ये प्रत्यय है? कौन से शब्द है जिसमें ए प्रत्यय है? तो वो ए प्रत्यय किसमें? वेदव्यय में। किसमें? वेदव्यय में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है? परस्पर पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा? मार्तंड भास्कर। क्या होगा? मार्तंड भास्कर सही जवाब हो जाएगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह कहलाता है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह क्या कहलाता है? अभियुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियुक्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तम तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्मक होगा, बताइए। तम तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्मक क्या होगा, बताइए। इसका जवाब हो जाएगा अंधकार रात्रि। क्या होगा? अंधकार रात्रि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हला हल्का विलोम शब्द होगा, हला हल्का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुधा। हला हल का जो है विलोम शब्द हो जाएगा सुधा। तो जवाब हो गया इसका आपका क्या हो जाएगा? हलाल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सुधा हो जाएगा। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग देखते रहिए दोस्तों, पूरी आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा रोजाना इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सही शब्द शुद्ध है? और आपको टॉपिक वाइज भी क्लास शुरू करूँगा, बताइए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है शुद्ध है? सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा? सरोजनी और सारांश, ये शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? तो जवाब हो जाएगा आज बजट पर बहस होगी। शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज बजट पर बहस होगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस विकल्प में मुआवरा व उसका सही अर्थ सही नहीं है? अर्थ सही नहीं है, बताना है। किस विकल्प में मुआवरा व उसका अर्थ सही नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा चांदी का जूता मारना यानी कि चापलूसी करना, ये गलत है दोस्तों। जबकि यहाँ पर कलेजे पर पत्थर रखना, विपत्ति में धैर्य धारण करना, ये भी सही है। ये केवल इसका आंसर ही होगा, कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना, खून सफ़ेद हो जाना, दया न रह जाना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, क्वेश्चन है, काम बिगड़ जाने पर ये कहना कि ये तो किया ही है, ऐसे हैं, गलत है। आपको बताना है कि काम बिगड़ जाने पर ये कहना कि ये तो किया ही ऐसे गया था, वाक्य का भावार्थ किस लोकोक्ति में निहित है? तो आपको इसका भावार्थ बताना है, पिसल पड़े तो हर गंगा, पिसल पड़े तो हर गंगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का जो है शब्द क्या होगा? पब्लिक नोटिफिकेशन। क्या होगा? पब्लिक नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पांच राज्य हैं और
इनमें से कौन सा है जो पांच नहीं है, तो वो जो है दिल्ली है जो साझा नहीं करता। कौन कौन सा करता है? पंजाब करता है, हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश करता है और गुजरात सब है इसके साथ सीमा साझा करता है, पर दिल्ली नहीं करता है। दिल्ली की जगह आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिलता है तो वो भी नहीं करता है, ठीक है ना, पाँच ही करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? तो आपको गलत कथन ये है कि सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया, तो ये गलत बात है, ठीक है दोस्तों। पश्चिमी रेतला मैदान 33 महासागर का अवशेष से बिल्कुल दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, और तो सभी सही है, ये डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? तो गलत हो जाएगा माही 467 किलोमीटर की, जो कि गलत है। लूनी 495, बनास 512, चंबल 1050, परंतु माही गलत है। आपको बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में जो सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ई ए डेस डी जलवायु प्रदेश, ये पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहीं होता है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान होगा, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। जबकि सी ए डेस डब्ल्यू जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी, डी ए डेस डब्ल्यू ये मध्य राजस्थान, डी बी डेस डब्ल्यू उत्तरी राजस्थान, ये सही है, परंतु ए ऑप्शन गलत है, ये पश्चिमी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है मित्रों? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है लाल लोमी मृदा। अगला क्वेश्चन, जुलाई माह में 999 मिली बार की समदाब रेखा जिलों से गुजरती है, तो 999 की जो मिली बार की समदाब रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो ये जालौर, पाली और अजमेर, जालौर, पाली और अजमेर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई परियोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? सिंचाई परियोजना का संबंध आपको बताना है किस परियोजना से है? तो जवाई परियोजना से, किससे है? जवाई परियोजना, जवाई बांध से संबंधित है सिंचाई परियोजना का संबंध। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाएगा आहाड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? आहाड़ हो जाएगा, जो कि उदयपुर में है, ठीक है ना, इसे धूलकोट वगैरह के नाम से भी जानते हैं। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हरा दिया था? बाबर की सेना को कहाँ पर हरा दिया था महाराणा सांगा ने? कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। और हारे कहाँ पर थे? खानवा के युद्ध में, ठीक है ना। और बयाना का युद्ध हुआ था मार्च में, फरवरी में, और खानवा का युद्ध हुआ था मार्च में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, एक महीने का अंतर है दोनों में। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहा? तो आपको बताना है कि जो चावंड थी वो महाराणा प्रताप ने जो बनाए थे, कितने वर्षों तक राजधानी रहा? तो ये आपको बताना है 12 वर्षों तक। किसने? महाराणा प्रताप की राजधानी पूछी है यहाँ पर दोस्तों। तो महाराणा प्रताप की राजधानी कितने सालों तक रही थी? चावंड 12 सालों की तक रही थी दोस्तों, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? मोतीलाल तेजावत ने सिरोही से 21 सूत्री मांगो, यानी इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ पुकार, ये 21 जो है 21 मांगी थी इसमें दोस्तों, ठीक है, मात्र कोंडिया स्थान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाडोल गांव, 1857 में आवा के ठाकुर विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन थे? 1857 के समय यहाँ के जो महाराजा थे वो महाराजा कौन थे मित्रों? बताना है आपको तख्त सिंह। क्या हो जाएगा? तख्त सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा, तख्त सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सम्राट अकबर ने, बताना है सम्राट अकबर ने, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था अकबर के जो है किस संत को, सम्राट अकबर ने जो है किस संत को किया था, ये आपको बताना है। जवाब हो जाएगा दादू दयाल जी को, दादू दयाल जी सही जवाब होगा। कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में ये हो जाएगा, ये एक महिला प्रधान नृत्य हैं, गलत है, ये पुरुष प्रधान नृत्य हैं दोस्तों, ये शेखावटी क्षेत्र में आरंभ होता है, ये भी सही है, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य में जांच वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, चलिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन अब जो है आपके नज़दीक है दोस्तों। बूंदी रियासत के बारड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो बताइए इसका जवाब हो जाएगा नैनूराम। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा जी, यह हाड़ोती जो है प्रजामंडल की भी इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो चित्र को क्या कहा जाता है? बराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बराड़ी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र है? आपको बताना है कि कौन सा जो है पुरुष का वस्त्र है, तो दोड़ी है। कौन सा है? दोड़ी।
गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? गोपाल सैनी का संबंध किस हस्तकला से है? तो ब्लू पोटरी से है दोस्तों। किससे? ब्लू पोटरी से। अगला क्वेश्चन, कला प्रेमी सावन सिंह प्रांत के शासक थे। जो सावन सिंह थे दोस्तों, ये कहाँ के शासक थे? सबको बताया किशनगढ़ के थे। इन्होंने बनी ठनी का चित्र बनवाया था नागरीदास के द्वारा। किसके द्वारा? नागरीदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं द्वारा छोत का व्रत वर्ष में कितनी बार किया जाता है? बताना है महिलाओं द्वारा छोत का व्रत वर्ष में कितनी बार किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, तो देख लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चार बार। कितनी बार किया जाता है? चार बार वर्ष में व्रत किया जाता है। फाल्गुन कृष्ण तेरस माँ शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। तो फाल्गुन कृष्ण तेरस माँ शिवरात्रि का पशु का मेला का आयोजन कहाँ होता है बताइएगा? कहाँ होता है दोस्तों? करौली में होता है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के राजमहल में चितेरे की ओवरी की स्थापना किसने की थी? उदयपुर के जो राजमहल है उसमें चितेरे की जो ओवरी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाब हो जाएगा राणा जगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राणा जगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बताइएगा? वागड़ी, वागड़ी को किस क्षेत्र में बोलते हैं? दक्षिण क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला आपको पता है आहू और काली सिंध नदी के किनारे हैं, तो जल दुर्ग का जो है ये क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है जल दुर्ग का। अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? जयपुर के हवा महल 5 मंजिला है और हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों, और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? उस्ता जी थे, लालचंद उस्ता। कब बनाया था ये? 1799 में। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। कृष्ण भगवान के मुकुट के समान दिखाई देता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना किस जिले में की जानी है? कौन से जिले में की जानी है दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा टोंक में। कहाँ पर? टोंक में। वर्ष 2021-22 के अनुसार उत्पादन में प्रथम जिले का युग्म गलत है, बताना है। प्रथम जिले का युग्म जो है गलत है बताइएगा? तो आपको बताया ये गलत है। कुल औषधि में चित्तौड़गढ़ नंबर 1 नहीं है। फूल में झालावाड़ है। कुल सब्जियों में जोधपुर है। कुल मसाले में 12 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के अंतर्गत नहीं आती है? तो MSP के अंतर्गत नहीं आती है तो वो गन्ना नहीं आता है, जबकि कपास, तोरिया, राम तिल ये सब कुछ आते हैं, गन्ना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, कितनी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य CSCP द्वारा जारी होता है बताइएगा आप लोग? 7 फसलों का। किसका? 7 रबी की फसलों का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किससे संबंधित भारतीय अनुसंधान संस्था हैदराबाद में अवस्थित नहीं है? कौन सी संस्था है जो हैदराबाद में अवस्थित नहीं है? तो कृषि प्रणाली वाली जो नहीं है, मोटे अनाज की है, चावल की है, तिलहन की, यह तो सभी है पर कृषि प्रणाली वाली संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित नहीं है? कहाँ पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय नहीं है आप बताइएगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा करनाल हरियाणा में नहीं है, जबकि इम्फाल मणिपुर में, समस्तीपुर जो है बिहार में भी है, झांसी उत्तर प्रदेश में भी है, पर करनाल हरियाणा में नहीं है। ICAR भारतीय कृषि प्रणाली संस्था स्थित है। ICAR, तो आपको बताना है भारतीय कृषि प्रणाली संस्था कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा मोदीपुर। क्या हो जाएगा? मोदीपुरम। मोदीपुरम आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत बीज को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जाता है? किसके अंतर्गत बीज को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जाता है? जवाब हो जाएगा बीज नियंत्रण आदेश 1983। अगला क्वेश्चन, कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? CSCP के द्वारा। किसके द्वारा? CSCP के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, नीम के केक में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? नीम के केक में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? 5.22%। कितना? 5.22% होता है। हरी खाद के रूप में गवार से प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन का स्थलीकरण होता है? बताना है आपको कि हरी खाद के रूप में गवार से प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन का स्थलीकरण होता है बताइएगा जवाब? 65 kg। कितने का? 65 kg का। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सफ़ेद लट के नियंत्रण हेतु
किस फेरोमेन का उपयोग किया जाता है? जो सफ़ेद लट वगैरह लग जाती है दोस्तों, तो उसके नियंत्रण हेतु किस फेरोमेन का उपयोग किया जाता है? तो सभी आंसर देंगे इस प्रश्न का, तो क्या हो जाएगा? एनिसोल। क्या हो जाएगा? एनिसोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल रबी दलहन का उदाहरण है? बताइएगा, निम्न में से कौन सी फसल रबी दलहन का उदाहरण है? चले सभी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? मसूर हो जाएगा। जो मसूर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ट्रिंकल सिंचाई विधि के रूप में किसे जाना जाता है? ट्रिंकल सिंचाई प्रणाली के रूप में किसे जाना जाता है? तो बूंद बूंद सिंचाई को आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रिंकल सिंचाई के रूप में किसे जान जाते हैं? बूंद बूंद सिंचाई को। धनिया जीरा सौंफ में भंडारण के लिए समय बीजों में नमी की मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 6 से 7%, 6 से 7%। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम अंकुरण क्षमता निम्न में से किस सस्य फसल में सर्वाधिक होती है? न्यूनतम अंकुरण क्षमता निम्न में से किस सस्य फसल में सर्वाधिक होती है? इसका जवाब आप लोग देंगे, जवाब जाएगा संकर मक्का। क्या होगा? संकर मक्का। गेहूं ही हीरा मोती व बादशाह किस्में हैं? गेहूं की हीरा मोती व बादशाह किस्में हैं? तो किसकी किस्में आपको बताना है, जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिपल जीन वाली का। किसका? ट्रिपल जीन वाली का। निम्न में से किस सस्य फसल के बीजों में दूध तैयार किया जा सकता है? बताना है, निम्न में से किस सस्य फसल के बीजों से दूध तैयार किया जा सकता है? चलिए दोस्तों बताइए, जवाब हो जाएगा सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, रिजगा की खेती विश्व में सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? रिजगा की खेती विश्व में सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? ईरान में शुरू की गई। कहाँ पर? ईरान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2021-22 के अनुसार बागवानी फसलों के उत्पादन में कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? तो वो जाएगा औषधि में जो है 46.39 टन, गलत है ये। और सबसे मसाले में 10.44 टन है, लाख टन है। सब्जियाँ 20.40 लाख टन है। फल 9.56 लाख टन है। अगला क्वेश्चन, बागवानी फसलों के उत्पादन में प्रथम राज्य में कौन सा युग्म 2021-22 के अनुसार सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है, तो सही नहीं है। मसाले में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान, गलत है। सब्जियों में उत्तर प्रदेश है, फल राजस्थान है, फलों में क्या है? आंध्र प्रदेश। औषधियों में राजस्थान, तो मसाले में नहीं है दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देने वाला मसाला है? राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देने वाला मसाला कौन सा हो जाएगा? लहसुन। क्या होगा? लहसुन। मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मशरूम प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बताइए आप लोग? तो कहाँ पर है? सोलन में। कहाँ पर है मित्रों? सोलन में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट कहाँ स्थित है? बताना है आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट कहाँ स्थापित है? बताइएगा सभी के सभी दोस्त आंसर। इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तरी मैदान में गुलाब की झाड़ियों में छटाई का सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा है? उत्तरी मैदान में गुलाब की झाड़ियों में छटाई का सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा है? जवाब क्या होगा? अक्टूबर का तीसरा सप्ताह। यदि आम के पौधे 5x5 मीटर की दूरी पर लगा जाते हैं तो 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितने आम के पौधे की आवश्यकता होगी? तो आपको बताना है ये प्रश्न, बिल्कुल दोस्तों आराम से आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 सही जवाब हो जाएगा सभी के सभी विद्यार्थियों का। चलिए दोस्तों, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन लगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन लगाना है दोस्तों आपको, तो बीज की कितनी आवश्यकता होगी? कितने बीज लेके आऊँ दोस्तों मैं, बताओ फटाफट। आप कितना बीज लेके आओगे? कृषि पर्यवेक्षक बनने जा रहे हो, गांव में जाओगे, आपसे पूछेंगे कि सर मैं कितना बीज लेके आऊँ, मुझे जो है बैंगन लगाना है खेत में, तो क्या बताओगे आप? कि 400 ग्राम लेके आ जा भाई। क्या करोगे? कि 400 ग्राम लेके आ जा भाई, फटाफट से लेके आना दुकान में जाके, तो ऐसे बताओगे आप। अगला, केले के पनामा व उकठा रोग रोधी किस्म है? यह आपको बताना है पुवन। क्या हो जाएगा? पुवन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर के पौधे में रस स्त्राव कम हो जाए तथा कली का आसानी से छाल से अलग नहीं हो तब परिवर्धन का कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो आप इसका जवाब देंगे, क्या होगा? चिप बर्डिंग। क्या होगा? चिप बर्डिंग सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी आंवले की अगेती किस्म है? इसका जवाब दीजिएगा सभी के सभी दोस्त। जवाब क्या हो जाएगा इसका? सभी, यानी कि बनारसी
गोमा ऐश्वर्या बलवंत, ठीक है, ये सभी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी बेर की पचेती किस्म नहीं है, निम्न में से कौन सी जो है बेर की पचेती किस्म नहीं है, आप इसका आंसर देंगे सभी के सभी विद्यार्थी, फटाफट आंसर दीजिएगा। गणेश कीर्ति, क्या होगा, गणेश कीर्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमरूद की किस किस्म को सरदार के नाम से जाना जाता है, किस किस्म को सरदार के नाम से जानते हैं, तो लखनऊ 49 को। नींबू की कौन सी किस्म बेमौसम फल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, बताना है नींबू की कौन सी किस्म है जो बेमौसम फल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जवाब हो जाएगा विक्रम, कौन सी हो जाएगा, विक्रम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सब्जी कुल असुमेलित है, बताइए निम्न में से किस विकल्प में सब्जी कुल असुमेलित है, बताइएगा दोस्तों, इसका जवाब दीजिए फटाफट, जवाब हो जाएगा चिनोपोडियसी शकरकंद, ये क्या है, असुमेलित है, जबकि और सारे के सारे सही है, फेबेसी मटर, एपियसी गाजर, एरेसी अरबी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कद्दूवर्गीय सब्जी नहीं है, कद्दूवर्गीय सब्जी नहीं है, आपको बताना है कद्दूवर्गीय सब्जी कौन सी नहीं है, तो बस नहीं है सतावर, जबकि परवल भी है, करेला है, टिंडा है, ये कद्दूवर्गीय सब्जी है, सतावर नहीं है केवल। पंजाब सदाबहार इसार जामुनी किस सब्जी फसल की जो है किस्में हैं, किस सब्जी फसल की किस्में हैं, तो ये बैंगन की है, किसकी है, बैंगन की, हमारी तरफ बैंगन को क्या बोलते हैं दोस्तों, भट्टा बोलते हैं। बीरबल साहसी किसकी प्रसिद्ध किस्म है, वीरबल साहनी किसकी प्रसिद्ध किस्म है, आप इसका जवाब देंगे, जवाब हो जाएगा गुलदावदी, किसकी, गुलदावदी की है दोस्तों बीरबल साहनी किस्म। इसबगोल का कौन सा भाग औषधि उपयोगी है, इसबगोल का कौन सा भाग है जो औषधि उपयोगी होता है, बताइएगा दोस्तों, बीज का छिलका, क्या होगा, बीज का छिलका। कौन सा प्रेरक्षण प्रसारण ऑस्मोसिस के सिद्धांत का उदाहरण है, ऑस्मोसिस का जो सिद्धांत है उसका उदाहरण है ये सभी, जेम जेली मुरब्बा, ये सभी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, किसको, वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकड़ों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है मित्रों, तो वो सही नहीं है मांस उत्पादन में, ये गलत है, दूध उत्पादन में 221.06 मिलियन टन भारत का पहला स्थान है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, अंडा उत्पादन 129.60 मिलियन, ऊन उत्पादन 33.04 मिलियन किलोग्राम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, घी में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, घी में जो नमी की मात्रा होती है कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.05% से अधिक नहीं होनी चाहिए। खीस में खनिज लवणों का प्रतिशत होता है, खीस में खनिज लवणों का प्रतिशत कितना होता है मित्रों, बताइए, तो 1%, कितना, 1%। निम्न में से किस पशु के दूध में सबसे कम पानी पाया जाता है, कौन से पशु है जिसके दूध में सबसे कम पानी पाया जाता है, भेड़ के दूध में सबसे कम दूध जो है पानी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उत्पादन का अपेक्षित घनत्व कम होता है, कौन से उत्पादन का अपेक्षित घनत्व सबसे कम होता है, इनमें अपेक्षित सबसे कम होता है ये आपको बताना है, वसा, क्या हो जाएगा, वसा सही जवाब हो जाएगा। दूध में किस विटामिन की न्यूनता पाई जाती है, दूध में किस विटामिन की कमी या न्यूनता पाई जाती है, जवाब हो जाएगा विटामिन सी की, विटामिन सी तो आपको पता है खट्टी चीज़ों से मिलता है ना कि दूध से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु के दूध में को दही में नहीं बदला जा सकता, कौन सा ऐसा पशु है जिसको आप दूध को दही में नहीं बदल सकते, वो दही नहीं बनता कभी भी, तो हो जाएगा ऊँटनी। आपने कभी ऊँटनी देखा है, ऊँट देखा है, ऊँट के आराध्य देव कौन से होते हैं, पापू जी, और ऊँट पालक जाति कौन सी होती है, रायका, तो रायकाओं से पूछना कभी कि ऊँट कभी जो है दूध दही जमता है क्या, नहीं, मिठाई वगैरह में, आइसक्रीम बनाने में, इनमें ही काम लिया जाता है ऊँटनी का दूध। अगला क्वेश्चन, मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, बताना है आप लोगों को, जवाब 80%, मक्खन में वसा की मात्रा होती है 80%। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध का पीला रंग किस अधिकता के कारण होता है, आपको देखा होगा आप लोगों ने, आपके घर में गाय वगैरह हो, गौ माता होगी, तो आपने देखा होगा कि जो गाय का जो दूध होता है वो पीला पीला होता है, जबकि भैंस वगैरह का सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो ये पीला रंग क्यों होता है, तो ये पीला होता है विटामिन ए के कारण, किसके कारण, विटामिन ए के कारण। पशुओं में सोडियम नाइट्रेट के इंजेक्शन का प्रयोग किसकी विषाक्तता के विरुद्ध किया जाता है, किसकी विषाक्तता के
साइनेमाइट की विषाक्तता के विरुद्ध किया जाता है। बछड़े के जन्म के समय निचले जबड़े पर कितने अस्थायी कृदंत दांत पाए जाते हैं? आपको बताना है, जवाब हो जाएंगे 8 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर वी आकार में आग से सिकुड़ता हुआ व पीछे से चौड़ा होना किस भैंस की मुख्य विशेषता है? बदावरी की। किसकी? बदावरी की। अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल जमुनापुरी बकरी से मिलती जुलती है पर कद छोटा होता है? बकरी की कौन सी नस्ल है जो जमुनापुरी बकरी से मिलती जुलती है पर जो है कद क्या होता है, छोटा होता है? जवाब हो जाएगा बीठल। क्या होगा? बीठल होगा। भेड़ की कौन सी नस्ल पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में नहीं है? बताना है, भेड़ की कौन सी नस्ल है जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में नहीं है दोस्तों? तो वो जाएगा कुरेज। कौन सी? कुरेज। ऊँट में मध चक्र कितने दिनों का होता है? ऊँट में मध चक्र कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 23 से 24 दिनों का। मेरिनो किस देश की नस्ल है? मेरिनो किस देश की नस्ल है आपको बताना है? तो ये है दोस्तों फ्रांस की। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? फ्रांस की। अगला क्वेश्चन, लंपी स्किन डिजीज कौन से वायरस से फैली रही है? तो लंपी डिजीज जो है आपने देखा ही होगा गायों वगैरह में फैल रही थी दोस्तों, ये किसके कारण फैल रही थी? तो ये जीनस केफ्री फोकस के कारण। किसके कारण? जीनस केफ्री फोकस। अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं है सारे के सारे, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। प्रसूति जवर का कारण है, प्रसूति जवर का कारण क्या हो जाता है? कैल्शियम की न्यूनता। प्रसूति जवर का कारण होता है कैल्शियम की कमी। बेड की प्रसव प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो बेड की प्रसव क्रिया होती है, जब बेड बच्चा देती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं लैम्बिंग। क्या बोलते हैं? लैम्बिंग बोलेंगे दोस्तों। तो ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आपका ये समझ लीजिए मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर ही नहीं, आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है दोस्तों। ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, थोड़ी सी मेहनत आपके लोगों की तरफ से भी कर दोगे तो आपका सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के लिए लगातार इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे, और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोग टेस्ट भी दे पाएंगे दोस्तों घर बैठे, वो भी बिल्कुल नाम मात्र की फीस में। वो टेस्ट सीरीज आपके लिए केवल पैसे से होगी, और ये जो आपको ये सारे के सारे ये मिलने वाले हैं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यहाँ पर नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे एप्लीकेशन में, वो आप वहाँ से फ्री ले लेना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर करना, कंजूसी ना करें ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नई अपडेट के साथ, यानी कि नई एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे कल, और इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। धन्यवाद।